जमीन की सफाई सुथराई और सतह को हमवार करने की जिम्मेदारी और इस काम में जरूरत की चीजों की जिम्मेदारी बुलंदशहर के हिस्से में आई है। 2 करोड़ स्क्वायर फीट में टेंट लगाने की जिम्मेदारी हलकाए मेरठ को दी गई है। 2.5 करोड़ स्क्वायर फीट में बैठने के लिए फर्श की जिम्मेदारी हलकाए कानपुर के हिस्से में आई है। 3 करोड़ स्क्वायर फीट के एरिया में पुआल की जिम्मेदारी हलका नंबर 6 और 7 बुलंदशहर को दी गई है। वजू खाने की जिम्मेदारी लखनऊ वालों को दी गई है। इस्तिंजा खाने और गुसल खाने की जिम्मेदारी हलकाए आजमगढ़ को दी गई है। बड़े इस्तिंजा खाने यानी टॉयलेट की जिम्मेदारी हलकाए इलाहाबाद को दी गई है। जनरेटर और लाइट वगैरह की जिम्मेदारी हलकाए आगरा के हिस्से में आई है। माइक सिस्टम लाउड स्पीकर्स वगैरह की जिम्मेदारी गोरखपुर को दी गई है। तश्कील और तरतीब के लिए हर हलके से 5-5 अफराद को लिया गया है। 10-10 साथी हलकाए मेरठ के पूरे जिले से लिए गए हैं। मौलाना शरीफ, मौलाना शौकत, भाई हारून, हाफिज मंजूर साहब, मुफ्ती असलम, मुफ्ती मुरसलीन वगैरह। ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी गाजी आबाद, मुजफ्फरनगर, हापुड़, शामली के साथियों को दी गई है। उलमाए किराम के क्याम और खिदमात की जिम्मेदारी हलकाए मुरादाबाद को दी गई है। उत्तर प्रदेश के हर हलके से साल लगाए हुए 5-5 उलमा खिदमात में लिए जाएंगे। आजमगढ़ से मुफ्ती जावेद, मुफ्ती अशरफ, मौलाना किफायतुल्लाह, मौलाना शमीम और बनारस से भी आलिम होंगे। उलमा को इज्तिमागाह तक फ्री सर्विस दी जाएगी। खास अफराद यानी मोहताज और माजूरीन और समाअत से महरूम की खिदमात जैसे के क्याम, वजू खाना और इस्तिंजाखाना की जिम्मेदारी सीतापुर के साथी करेंगे। फौरन यानी दूसरे ममालिक से आने वालों की खिदमात मसलन क्याम और ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी भी बुलंदशहर वालों को ही दी गई है। मरकज निजामुद्दीन के साथी और मौलाना साद के क्याम और ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी कमालपुर वाले निभाएंगे। VIP कैंप, खाना और ड्राई फूड और चाय वगैरह की जिम्मेदारी हलका नंबर 4 बुलंदशहर को दी गई है। साइकिल और बाइक स्टैंड और उनके टिकट्स और लाइट और माइक की जिम्मेदारी खुर्जा सिकंदराबाद 3 हिस्सों में बांटी गई है। 3 तरफ 4-व्हीलर और 3-व्हीलर की पार्किंग भी सिकंदराबाद खुर्जा वाले ही करेंगे। आने और जाने का रास्ता अलग रखा जाएगा। पूरे इज्तिमा में बैनर और पोस्टर्स की जिम्मेदारी हलकाए आजमगढ़ को सौंपी गई है। 3 हलकों में हवा की मशीन, पंचर, पानी और लाइट की सहूलत के साथ बस पार्किंग की जिम्मेदारी गाजी आबाद और हापुड़ वगैरह को दी गई है। रास्ता बनाने वाली जमात हलका नंबर 7 दरियापुर। दुआ के बाद तक पूरे इज्तिमा गाह की सफाई तिहा भाईपुरा बुलंदशहर के हलके में आई है। तमाम हलकों में और पूरे इज्तिमा में पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी गाजी आबाद के हिस्से में आई है। खाने का गल्ला और ईंधन वगैरह की जिम्मेदारी बुलंदशहर और इलाहाबाद को दी गई है। माइक के साथ इंक्वायरी ऑफिस की जिम्मेदारी हाथर्स और मार्केट की जमात की जिम्मेदारी बुलंदशहर, आरजी मस्जिदों की जिम्मेदारी बुलंदशहर हलका नंबर 8, इसी तरह ट्रैफिक की जिम्मेदारी बहरेच और बस्ती के साथियों को दी गई है। 4 सिमतों में मेडिकल कैंप्स, डॉक्टर्स और एम्बुलेंस की जिम्मेदारी सहारनपुर और बुलंदशहर के साथियों को दी गई है। इज्तिमा गाह की निगरानी भी इंशाअल्लाह बुलंदशहर वाले ही करेंगे। ये तमाम उमूर वो हैं जो मशवरे से तय हुए हैं और मुझ तक पहुँचे हैं। इनमें तब्दीली भी हो सकती है। इज्तिमा तो इज्तिमा है। तमाम इख्तिलाफात से ऊपर उठकर सभी साथी खिदमात के लिए इज्तिमा गाह पहुँचे और अल्लाह से दुआ करें, इस्तग़फार करें कि अल्लाह हम सब को राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि इतना बड़ा निज़ाम देखकर आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है, और ये भी बताएं कि आप इज्तिमा में शिरकत करेंगे या नहीं। और हाँ, अगर इन तमाम जानकारियों में कोई भी तब्दीली की खबर आपके पास हो या कोई नई खबर इज्तिमा से मुताल्लिक आपके पास हो, वो कमेंट्स में जरूर लिख दें।
और कमेंट में इज्तिमा के लिए एक दुआया जुमला लाजमी लिखें। और बराए मेहरबानी सवाब की नीयत से हर आदमी इस वीडियो को अपनी तमाम सोशल प्रोफाइल्स पर जरूर शेयर करें। जज़ाकअल्लाह खैर। दीनी व इल्मी व इस्लाही बयानात, नज़्म व नात व हम्द वगैरह के लिए हमारा चैनल द ह्यूमैनिटी जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।